हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, 10 रिक्वेस्ट कॉस 1/2 टेन इनवर्स माइनस एन बाई टू टू पावर एन इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट है। मोनोटोनिक बट नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोनिक, नाइदर मोनोटोनिक नॉट कन्वर्जेंट, ये हमें चेक करना है फ्रेंड्स। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम पहले जानते हैं कि tan इनवर्स x जो लिमिट होती है वो माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू फोर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो tan इनवर्स की वैल्यू वो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं होता, यानी tan इनवर्स जो है फोर ऑल पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में ये सारी वैल्यूज देता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू माइनस पाई वाई टू लेस देन टेन इनवर्स माइनस एन अपॉन टू दी पावर एन, इसके लिए भी यही वैल्यू रहेंगी लेस देन पाई बाई टू, ये हो गया। अब फिर से अगर हम वन अपॉन टू से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो यहां से हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर लेस देन वन अपॉन टू टेन इनवर्स माइनस एन अपॉन टू दी पावर एन लेस देन पाई बाई फोर, ये हो गया। अब हम इसमें कोस का कोस अप्लाई कर रहे हैं, तो कोस माइनस पाई बाई फोर, तो कोस माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है, वन अपॉन रूट टू, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, तो ये हो गया हमारे पास लेस देन कोस वन अपॉन टू टेन इनवर्स माइनस फाइव बाई सॉरी माइनस एन बाई टू टू द पावर एन लेस देन, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी कोस पाई बाई फोर, तो फिर कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इसकी वैल्यू अगर चेंज भी होती रहे तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बेसिकली यहाँ कोस पाई बाई फोर है, वैसे ये वन अपॉन रूट टू, ये भी हमारे पास कोस की वैल्यू जो होती है वन अपॉन रूट टू होती है। तो अगर हम सीक्वेंस की देखें, सीक्वेंस की वैल्यू जो है वन अपॉन रूट टू लेस देन कोस वन बाई टू टेन इनवर्स एन माइनस एन टू एन अपॉन टू एन और वन बाई टू, यानी इसकी जो वैल्यू है हमेशा वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू, यानी एक जो रेंज है वो ओनली सिंगल टर्म रेंज है, सिंगल टर्म रेंज है। तो इस कंडीशन में कहेंगे ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू है ओनली वन, तो वन बाई रूट टू, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये सीक्वेंस जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो सीक्वेंस एस एन दे देते हैं, सो एस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो फिर इस तरह से ये हमारे पास हो गया कि जो ये सीक्वेंस था ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और ऐसे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।